हमसे सवाल पूछेगा मुझे और कमु से और देखना है कि कौन कितने सही जवाब दे पाता है। तो चलो चलो शुरू करते हैं। ये हमें आज पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो विवेक हमसे जो भी सवाल पूछेगा उसके आंसर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है कि आप जब दोनों मिले थे फर्स्ट टाइम, तब आप लोगों ने क्या खाया था? मुझे अच्छे तरीके से याद है। हाँ मुझे भी पता है। अरे एक दूसरे को दिखाओ। आप पहली बार कहाँ पर मिले? दिखाओ। मेरा डुमस। डूमर क्या है? चलो हम दोनों जानते हैं दूसरे को। ये हमारा बॉन्ड है। अच्छा ये बताओ हमारी एंगेजमेंट कब हुई? हमारी एंगेजमेंट सिक्स दिसंबर नहीं ईयर 2017। तो तीसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा सिर्फ रूबी दी को। उनको बताना है कि जीजू का फेवरेट कलर कौन सा? ये थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे। मुझे अभी तक कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। आई थिंक यही हो सकता है। बताइए। चलो दिखाओ, दिखाओ। नहीं साथ में बताओ स्क्रीन पे। मेरा फेवरेट कलर ये है। मैंने ये लिखा है। बापरे सच्ची। तो अब बारी है जीजू की। जीजू को बताना है कि रूबी दी का फेवरेट कलर कौन सा? ओके बता। मेरे हिसाब से तो ये वाला है। अब देखते हैं कौन सा उनके हिसाब से राइट है। कौन सा बताओ? नहीं मैं नहीं मानता। ओह माय गॉड रियली सभी क्वेश्चन राइट होते जा रहे हैं। मैं इतना सही कैसे हो सकता? तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है जीजू को बताना है कि रूबी दी की सूट की साइज क्या है। मींस चप्पल की साइज। मेरे हिसाब से तो ये वाला ही है। वो इतने इतने पैर ऊपर से बोल रहे पांच नंबर के। कुछ नहीं, चार नंबर भी मैंने ज्यादा दिया है। मैं भी तीन नंबर के ऊपर। पांच नंबर सबसे छोटा होता है। मैंने सोचा आपके लिए स्पेशली बनते होंगे छोटे छोटे, क्योंकि जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो मेरे माप का साइज का मेरे साइज का मिलता ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे माप का साइज का साइज ही नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल बताना है आपको। बताइए आप इनकी शूज की साइज। मेरे शूज की साइज, मेरे शूज की साइज, और ज्यादातर मैं शूज पहनता भी नहीं हूँ। मुझे भी पक्का याद नहीं है क्या शूज की साइज है, क्योंकि मैं मोजड़ी पहनता हूं। लगता है कि कभी भी इन लोगों ने एक दूसरे के चप्पल नहीं खाए। ट्राई करेंगे एक दूसरे के चप्पल खा के एक दूसरे की चप्पल की साइज का पता करें। दी को बताना है कि जीजू की हाइट कितनी? 5 point। मेरी हाइट ये है। अब रूबी ने क्या लिखा? दिखाओ 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 दिखाओ। ओ ब्रो कुछ भी थोड़ा इतना बटला हूं मैं कुछ भी। तो हाइट वाले क्वेश्चन में रूबी जी तो हार गई। अब बारी है इनकी। देख लेते हैं। मुझे इनकी हाइट में भी की तरफ जो है। इनको बताना है कि दी का फेवरेट कार्टून। ये तो मुझे पक्का याद है, यही होगा। ये तो मैंने भी बार बार देखा है पक्का। ये देख लो, ये देख लो, ये सिंचन लिखा है। बिकॉज़ ये जब भी घर पे आते हैं बल्ले ती सब सब पियो पियो ती कब कब दी को बताना है कि जीजू का फेवरेट कार्टून। कार्टून देखते भी थे? मतलब मैं शक्ल से क्या लगता हूँ? मैं कार्टून नहीं देखता हूँ। मैंने बहुत कार्टून देखा। आप ही कार्टून जैसे
स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग रॉन्ग ये नहीं देख रहे कि कौन जीता है हम लोग सर्च कर रहे हैं कि आगे इसकी स्पेलिंग क्या है देखते हैं मैंने ये डोरेमोन सस्ती वाली स्पेलिंग लिख डोरेमोन है मेरी डोराइमोन बिकॉज जापान में इसको डोराइमोन बोलते हैं क्या बोलते हैं डोराइमोन पर हम इधर इंडिया में डोरेमोन बोलते हैं ओके चलता है हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है मेरा डोरेमोन चाहिए डोराइमोन थोराइमोन नहीं आता अपने तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में लिखना कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तो आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है जीजू को बताना है कि दी का फेवरेट फास्ट फूड कौन सा ओके ये तो पता ही चलो बताओ फिर से फ्रेंकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है मैं कुछ भी लिख रहा हूँ गाइस वो मत देखना शब्दों पर ना जाए भावनाओं पर जाए कौन सी भावना अच्छा आप के जोक ना मारे फ्रेंकी चलो दी को बताना है कि जीजू का फेवरेट फास्ट फूड कौन सा आप मुझे पता ये तो सब ये रियली सबसे इजी क्वेश्चन है उनके लिए यही लिखा होगा उन्होंने यही लिखा होगा मैं क्योंकि ये वाला जो फास्ट फूड है ये मम्मी और कमू दोनों का बहुत ज्यादा फेवरेट है इसीलिए इनका जो वेट है अभी ऐसे ऐसे होता जा रहा है आज तक इन्होंने नहीं इन्होंने तो जीरो फिगर मेंटेन रखा हुआ है जीजू ने लगभग आज तक 1000 बड़ा पाव खाए नहीं हाँ और वो एक दिन में आपने कितने खाए थे एक बार 5 बड़ा पाव उसके बाद में 2 घंटे हिला नहीं था तो अभी है नॉट कुछ तो अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की जीजू को बताना है कि दी को कौन से टेंपल जाना है गलत है दोनों गलत है क्या लिखा है वो यार आप बार बार तो बोलते मुझे खाटू श्याम जाना है खाटू श्याम जाना नहीं पर मुझे अभी इंडिया में करंटली तिरुपति और वृंदावन और उसमें भी सबसे मेन मुझे तिरुपति जाना है द्वारका जाएंगे बट मुझे सबसे ज्यादा अभी जाने का मन है वृंदावन चलो चलते हैं चलो 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 हम चलते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना